हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रोटेक सीसी। आज से हम एक नया वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है पिक कंट्रोलर प्रोग्रामिंग। पिक कंट्रोलर का इस्तेमाल बहुत सारी अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग इक्विपमेंट को ऑपरेट करवाने के लिए होता है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम देखेंगे कि किस तरह से हम पिक कंट्रोलर का प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, किस तरह से उस प्रोग्राम को माइक्रो कंट्रोलर में लोड करवा सकते हैं, इसके लिए कौन कौन से अलग अलग सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन से हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, इन सभी चीज के बारे में इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम देखने वाले हैं। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि एलईडी को किस तरह से ब्लिंक करवाया जाता है, अलग अलग सेंसर को किस तरह से इंटरफेस किया जाता है, अगर आपके पास कोई डिस्प्ले डिवाइस है जैसे कि 7 सेगमेंट है या फिर कोई एलसीडी है तो इसे किस तरह से पिक कंट्रोलर से इंटरफेस किया जाता है, किस तरह से अलग अलग मोटर को हम ऑपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पिक कंट्रोलर, इन सभी चीज के बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसमें हम पिक कंट्रोलर का प्रोग्रामिंग करेंगे। वैसे तो बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर्स यूज होते हैं पिक कंट्रोलर के प्रोग्रामिंग के लिए, लेकिन इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम एक ही सॉफ्टवेयर के बारे में देखने वाले हैं, जो कि है एमपीलैब सॉफ्टवेयर। एमपीलैब माइक्रोचिप का एक सॉफ्टवेयर है, जिसकी मदद से हम यहाँ पे पिक कंट्रोलर का प्रोग्रामिंग करने वाले हैं। और इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम देखेंगे कि किस तरह से हम एमपीलैब सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके पिक कंट्रोलर का प्रोग्रामिंग करेंगे। जो भी हम यहाँ पे कोडिंग करेंगे उसका हेक्स कोड बनाएंगे, हेक्स कोड बना के हम उसे माइक्रो कंट्रोलर में लोड करवाएंगे। लोड करवाने के लिए आपको एक प्रोग्रामर की रिक्वायरमेंट होती है, और यहाँ पे हमारे पास प्रोग्रामर के फॉर्म में हम यूज करेंगे PIC Kit 3। एपिक किट 3 का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे हेक्स कोड को माइक्रो कंट्रोलर में लोड करवा सकते हैं, और जो भी माइक्रो कंट्रोलर में हम प्रोग्राम लोड करवाएंगे उससे अलग अलग टास्क परफॉर्म होंगे। तो उस टास्क को हम यहाँ पे ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ पे एक डेवलपमेंट बोर्ड का भी इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक डेवलपमेंट बोर्ड भी है, जिसकी मदद से हम यहाँ पे जो भी कोडिंग करेंगे उसे पिक किट 3 की मदद से उसमें लोड करवाएंगे, उसे डेवलपमेंट मोड की मदद से देखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो टास्क है वो परफॉर्म हुआ या नहीं। ओके, तो यहाँ पे इतनी चीज की आपको रिक्वायरमेंट होगी, जिसकी मदद से आप अपना टास्क जो भी है वो पिक कंट्रोलर की मदद से एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि एमपीलैब सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके हम किस तरह से कोई एक सिंपल प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। आज की इस फर्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम पिक कंट्रोलर का इस्तेमाल करके कोई एक सिंपल एलईडी को ब्लिंक करवाना है, ऑन ऑफ करवाना है, तो हम किस तरह से कर सकते हैं। पूरा वीडियो आप देखना ताकि आपको पता चले कि किस तरह से एमपीलैब सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके आप सिंपल प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो, उस प्रोजेक्ट में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस तरह से उसे हेक्स में कन्वर्ट किया जाता है, हेक्स फाइल को किस तरह से माइक्रो कंट्रोलर में लोड किया जाता है, और देखेंगे कि किस तरह से इस डेवलपमेंट बोर्ड की मदद से हम कोई भी माइक्रो कंट्रोलर टास्क को अगर हमें देखना है तो किस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एमपीलैब से। सबसे पहले आपको इस एमपीलैब सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना होगा और इंस्टॉल करना होगा। तो इसके बारे में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप एमपीलैब XID सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है तो न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे फाइल मेनू में जाना है और न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। तो जब आप यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे माइक्रोचिप एम्बेडेड एंड स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट सिलेक्ट करके नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको पूछा जाएगा कि कौन से डिवाइस के लिए आप यहाँ पे प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे डिवाइस सिलेक्ट करेंगे। हमारे पास जो अभी पिक कंट्रोलर है डेवलपमेंट बोर्ड में वो है PIC 16F877A। ओके, तो इस कंट्रोलर को हम यहाँ पे यूज करेंगे, और यहाँ पे आपको टूल पिक किट 3 सिलेक्ट करना है अगर आपके पास है तो, अगर आपके पास नहीं है तो नो टूल पे रख के आप यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर सकते हो। आपको यहाँ पे एक XID की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, तो हम यहाँ पे कंपाइलर के फॉर्म में XC8 का इस्तेमाल करेंगे। इसे किस तरह से ऐड करना है, अगर आपने सिर्फ सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है एमपीलैब XID तो आपको इसमें बाय डिफॉल्ट ये जो कंपाइलर है वो नहीं मिलेगा, तो उसे किस तरह से ऐड करना है वो भी मैं उस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप इस कंपाइलर को ऐड कर सकते हो। ओके, तो आपको यहाँ पे AXC8 यूज करना है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट नेम देना है। तो हम यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम देंगे सिंपल one.led_blink। ओके, और हमें यहाँ पे ब्राउज बटन पे क्लिक करके प्रोजेक्ट की लोकेशन सेट करनी है, तो हम यहाँ पे ब्राउज बटन पे क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप पे हम एक न्यू एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, जिसमें हम लिखेंगे पिक कंट्रोलर वीडियो लेक्चर। ओके, और इसमें हम यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करेंगे और फोल्डर का नाम रख देंगे LED Blink। ओके,
और इसमें हम हमारा प्रोजेक्ट सेव करेंगे और फिनिश बटन पे क्लिक कर देना है। इस तरह से आप अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। तो आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है और प्रोजेक्ट की पूरे डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। ओके, आपको अभी क्या करना है, न्यू एक सी फाइल क्रिएट करनी है। सी फाइल क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे सोर्स फाइल पे जाना है और राइट क्लिक करके यहाँ पे आपको न्यू में मेन डॉट सी फाइल सिलेक्ट करनी है। तो इस तरह से आप न्यू मेन सी फाइल क्रिएट कर सकते हो। आपको यहाँ पे जो भी नाम ऐड करना है वो फाइल नेम आप सी फाइल का ऐड कर सकते हो। हम वही रखेंगे LED _ blink, ओके? और यहाँ पे एक्सटेंशन डॉट सी होगा। आपको यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देना है। तो आपकी सी फाइल कुछ इस तरह से क्रिएट हो जाएगी। अभी आपको क्या करना है, माइक्रो कंट्रोलर का जो भी कोड लिखना है वो आप यहाँ पे सी फाइल में लिख सकते हो। हम इसे इरेज कर देंगे। देन यहाँ पे हमें पहले जो भी आपके पास माइक्रो कंट्रोलर है उसके बीट को कॉन्फ़िगर करना होता है। इसके बीट्स को किस तरह से कॉन्फ़िगर किया जाता है, कौन सी पिन किस तरह से यूज करनी है वो आप यहाँ पे देंगे। तो बिट कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको यहाँ पे प्रोडक्शन में चला जाना है। प्रोडक्शन में जाके आपको यहाँ पे सेट कॉन्फ़िगर बिट पे क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पे एक नीचे एक विंडो दिखाई देगी जिसमें लिखा होगा कॉन्फ़िगर बिट। ओके, ये आपको इंडिकेट करता है जब आपका माइक्रो कंट्रोलर रनिंग कंडीशन में है तो वो किस तरह से वर्क करता है। ओके, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले FOSC का मीनिंग होता है ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी। ओके, तो आप यहाँ पे कौन से टाइप का ऑसिलेटर यूज करना चाहते हो वो इंडिकेट करना होता है। आपके पास जो माइक्रो कंट्रोलर होता है उसमें बाय डिफॉल्ट इंटरनल एक ऑसिलेटर होता है। अगर आपको उसे यूज नहीं करना है तो आप एक्सटर्नली RC ऑसिलेटर या फिर क्रिस्टल ऑसिलेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। हम यहाँ पे यूज करेंगे इंटरनल ऑसिलेटर। ओके, और नेक्स्ट हम यहाँ पे जो भी ये वॉचडॉग टाइमर है इसे टर्न ऑफ कर देंगे। देन यहाँ पे ब्राउन आउट रीसेट इनेबल पिन है उसे भी बंद कर देंगे। लो पावर वोल्टेज इसे भी हम बंद कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही वैल्यू को सेट करना है, बाकी जो भी बिट्स है उसे आप रीसेट कर दोगे। ओके, कॉन्फ़िगर बिट के कॉन्फ़िगरेशन बिट पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन बिट किस तरह से सिलेक्ट किए जाते हैं इस पे पूरी डिटेल दूंगा। तो आपको इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पे जनरेट सोर्स कोड टू आउट पे क्लिक कर देना है। तो आपको यहाँ पे इसका कॉन्फ़िगरेशन बिट्स मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन बिट को कॉपी कर लेना है। तो हम यहाँ पे इसे कॉपी कर लेंगे और अपने कोड में आ जाएंगे और यहाँ पे आपको इसे पेस्ट कर देना है। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इसे पेस्ट कर लूंगा। ओके, तो इस तरह से आपको अपने कॉन्फ़िगरेशन बिट्स ऐड कर लेने हैं। ओके, आपके पास जो यहाँ पे डेवलपमेंट बोर्ड है इस डेवलपमेंट बोर्ड में आपको एक हेडर फाइल ऐड करनी है। तो ये जो बाय डिफॉल्ट हेडर फाइल है इसे मैं रिप्लेस कर दूंगा htc.h से। ओके, तो ये हमारा हेडर फाइल है। जो भी हम यहाँ पे डेवलपमेंट बोर्ड यूज कर रहे हैं उसमें जो माइक्रो कंट्रोलर लगा है इसके लिए मैंने यहाँ पे एक हेडर फाइल ऐड कर दी है। ओके, अभी आपको क्या करना है, तो अभी हम नेक्स्ट क्या करेंगे, जो हमारे पास माइक्रो कंट्रोलर है PIC16F877A इसमें जो पोर्ट्स दिए गए हैं पोर्ट A, B, C and D उसको आपको यहाँ पे डायरेक्शन देना होता है कि क्या आप अपने पोर्ट को इनपुट यूज करना चाहते हो या फिर आउटपुट यूज करना चाहते हो। तो इसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है TRIS देन आपका पोर्ट, जो भी पोर्ट है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे बी पोर्ट यूज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी एंड इज इक्वल टू जो भी आपको उसे इनपुट डिफाइन करना है या फिर आउटपुट डिफाइन करना है वो आपको यहाँ पे लिखना होता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 0x00। यहाँ पे जब आप कोई वैल्यू जीरो लिखते हो तो इसका मीनिंग होता है आपका पोर्ट है वो पोर्ट आउटपुट पोर्ट है। ओके, और अगर आपको यहाँ पे इनपुट पोर्ट डिफाइन करना है तो उस बिट की वैल्यू आपको 1 रखनी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे यहाँ पे पोर्ट बी की 8 पिन है उसमें 4 बिट को इनपुट के फॉर्म में यूज करना है और 4 बिट को आउटपुट के फॉर्म में यूज करना है तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखना है 0B0000 एंड 1111। ओके, तो यहाँ पे जो लोअर 4 बीट है जिसे हम 1 निबल बोल सकते, तो यहाँ पे ये जो लोअर 4 बीट है उसकी जो पोर्ट बी की पिन होगी वो यहाँ पे इनपुट के फॉर्म में यूज होगी और यहाँ पे हायर 4 बीट है उसकी जो 4 बीट है और 4 पिन है वो आउटपुट के फॉर्म में यूज होगी। ओके, हम यहाँ पे पूरा पोर्ट आउटपुट के फॉर्म में यूज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आपको उसकी वैल्यू देनी होती है कि जब आप यहाँ पे इसे आउटपुट पोर्ट डिफाइन करते हो तो बाय डिफॉल्ट जब पावर ऑन होगा तो उसका आउटपुट क्या होगा। तो इसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है पोर्ट और आपका जो भी यहाँ पे पोर्ट आप यूज कर रहे हो, हमने यहाँ पे बी पोर्ट यूज किया है एंड इज इक्वल टू 0x जो भी आपको यहाँ पे वैल्यू यूज करनी है। अगर आपको यहाँ पे बाई डिफॉल्ट आउटपुट हाई चाहिए तो आपको यहाँ पे 1 लिखना है, अगर आपको बाई डिफॉल्ट आउटपुट 0 चाहिए तो आपको यहाँ पे 0 लिखना है। ओके, तो मैं यहाँ पे बाई डिफॉल्ट 0 लिखूंगा। फिर आपको यहाँ पे एक इनफाइनाइट लूप चलानी है जिसमें आपकी कंडीशन हर बार
ट्रू होनी चाहिए, जिससे हमारा जो यहाँ पे वाइल वन से आप अपने टास्क को रिपीट मोड में यूज कर सकते हो। ओके, यानी कि जब तक पावर ऑन होगा तब तक आपका टास्क है वो रिपीट होता रहेगा। तो हमें यहाँ पे कंटिन्यूअस एलईडी को ब्लिंक करवाना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे वाइल वन का इस्तेमाल करेंगे। अभी आपको क्या करना है, पोर्ट बी की कोई एक पिन को कंटिन्यूअस ऑन ऑफ करवाना है विद सम डिले। तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे पोर्ट बी। देन आपको यहाँ पे सिंगल बीट का यूज करना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे लिखना होगा बिट्स डॉट। तो जब इस तरह से आप यहाँ पे लिखते हो और जब डॉट प्रेस करते हो तो आपको यहाँ पे कुछ सजेशन मिलेंगे। ओके, ये सजेशन इंडिकेट करते हैं कि पोर्ट बी में आपके पास कौन कौन सी पिन्स है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे B0 से B7 8 पिन है। ओके, तो इसका इस्तेमाल आप यहाँ पे कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे B0 का इस्तेमाल करने वाला हूँ, तो आपको यहाँ पे सिंपली डबल क्लिक करना है और इक्वल टू करके हमें इसे कंटिन्यूअस टॉगल करवाना है। तो टॉगल के लिए मैं यहाँ पे इस तरह से लिख दूंगा, ओके, एंड पोर्ट बी अगेन बिट्स डॉट RB0, यानी कि इसका मीनिंग होगा कि कंटिन्यूअस इस पोर्ट B0 की जो पिन है इसे कंटिन्यूअस टॉगल करवाना है। ओके, देन सेमीकोलन कर देंगे और यहाँ पे हम थोड़ा सा डिले ऐड कर देंगे। डिले ऐड करने के लिए यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है double_delay_ मिली सेकेंड में हमें डिले यूज करना है, तो MS एंड ब्रैकेट में लिख देंगे जो भी आपको डिले ऐड करना है। फॉर एग्जांपल 1000 मिली सेकेंड हम यूज करते हैं, तो 1000 मिली सेकेंड का मीनिंग होगा 1 सेकेंड। ओके, तो ये 1000 मिली सेकेंड हो गया, यानी कि 1 सेकेंड का डिले हो गया। हर एक 1 सेकेंड पे आपका जो पोर्ट B है उसकी B0 पिन है उसमें कंटिन्यूअस टॉगल आपको यहाँ पे 1 सेकेंड के डिले के साथ देखने को मिलेगा। ओके, तो ये इस तरह से आपको यहाँ पे कोड लिखना है। देन यहाँ पे हमारा जो टास्क है वो कंटिन्यूअस रिपीट होता रहेगा। ओके, और हमारा प्रोग्रामिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अभी हमें देखना है कि हमारा कोड है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ या नहीं। इससे पहले आपको यहाँ पे जो ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी है उस ऑसिलेटर को आपको यहाँ पे डिफाइन करना होगा। ओके, तो मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेट कर लेता हूँ #define। ओके, आपको यहाँ पे सजेशन मिल जाता है, तो सजेशन पे आपको सिंपली टैप बटन पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। #define हमें क्या डिफाइन करना है, तो क्रिस्टल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी। तो इसके लिए आपको अंडरस्कोर कैपिटल में क्रिस्टल अंडरस्कोर फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरह से लिखना है और स्पेस देके आपको फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर देनी है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 20 मेगाहर्ट्ज़ यूज करना चाहते हैं, तो 20 देन मेगाहर्ट्ज़ के लिए आपको यहाँ पे 60 ऐड करने होंगे। ओके, तो इस तरह से आपके 20 मेगाहर्ट्ज़ का जो ऑसिलेटर है वो ऑसिलेटर डिफाइन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने फ्रीक्वेंसी यूज की है 20 मेगाहर्ट्ज़। तो इस तरह से आपका प्रोग्रामिंग कंप्लीट हो गया है। अभी आप क्या कर सकते हो, इसे बिल्ड कर सकते हो। बिल्ड करके आपको पता चलेगा कि आपका जो कोड है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ या इसमें कोई एरर है। ओके, तो इसके लिए आपको यहाँ पे ये जो हैमर का आइकन दिया है इसमें क्लिक करना है, इससे आप अपने प्रोजेक्ट को बिल्ड करवा सकते हो। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो आपको यहाँ पे कुछ प्रोसेस होती हुई दिखेगी। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो आपको फाइनली आउटपुट मिल जाएगा कि यहाँ पे कोई एरर है या नहीं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे आउटपुट विंडो पे आपको दिखाई दे रहा है बिल्ड सक्सेसफुली। ओके, और बिल्ड टाइम जो है वो 3 सेकेंड का लगा है। ओके, बिल्ड सक्सेसफुली यानी कि हमारा कोड सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। हमारा कोड यहाँ पे, हमारे कोड में कोई एरर नहीं है। अगर कोई एरर होती तो आपको यहाँ पे आउटपुट विंडो पे दिखाई देती। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सेमीकॉलन साइन को रिमूव कर देता हूँ और फिर से यहाँ पे बिल्ड करता हूँ ताकि आपको पता चले कि जब एरर होती है तो यहाँ पे किस तरह से आपको इंडिकेट किया जाता है। तो जो जब मैंने यहाँ पे सेमीकॉलन साइन को रिमूव कर दिया तो ऑटोमेटिक आउटपुट विंडो में आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक सेमीकॉलन का एरर आ रहा है। जब आप इस पे क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिक आपका कर्सर यहाँ पे चला जाता है और आपको यहाँ पे इंडिकेट करता है कि यहाँ पे आपने सेमीकॉलन नहीं किया है। जब आप यहाँ पे सेमीकॉलन करके फिर से इसे बिल्ड करोगे तो आपकी फाइल जो है वो बिल्ड हो जाएगी और सक्सेसफुली बिल्ड आपको यहाँ पे आउटपुट विंडो में देखने को मिलेगा। ओके, और इसके नीचे आपको दिखाई दे रहा है कि आपको एक पाथ दिया गया है। ये जो पाथ है वो इंडिकेट करता है कि जो आपका प्रोजेक्ट है उसकी एक हेक्स फाइल बनी है और ये जो हेक्स फाइल है वो कहाँ पे है वो ये पाथ इंडिकेट करता है। ओके, तो हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, हमने यहाँ पे सक्सेसफुली बिल्ड कर लिया है और आपको यहाँ पे एक सी फाइल की एक हेक्स फाइल भी मिल गई है। ओके, और अगर आपको इसे लोड करवाना है तो लोड करवाने के लिए आपको सबसे पहले अपने माइक्रो कंट्रोलर के डेवलपमेंट बोर्ड को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करना होगा। ये डायरेक्टली कनेक्ट नहीं होगा, इसके लिए आपको यहाँ पे कोई कम्युनिकेशन यूज करना होगा।
तो हमारे डेवलपमेंट बोर्ड में यहाँ पे ICSP कम्युनिकेशन है। इसके बारे में हम आगे देखेंगे कि ये ICSP कम्युनिकेशन क्या होता है। इसके साथ हम PIC Kit 3 को कनेक्ट करेंगे और इससे माइक्रो कंट्रोलर में लोड करवाएंगे। तो चलिए जल्दी से डेवलपमेंट बोर्ड को PIC Kit 3 की मदद से कंप्यूटर से कनेक्ट कर लेते हैं। जब आप यहाँ पे इसे कनेक्ट कर लेते हो तो आपको यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है। इसकी मदद से आप अपने हेक्स कोड को माइक्रो कंट्रोलर में लोड करवा सकते हो। तो सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है। तो जब आप इस पे क्लिक करते हो तो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है नो टूल फाउंड, ओके। आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको PIC Kit 3 का ऑप्शन देखने को मिलेगा। जब तक आप इसे कनेक्ट नहीं करोगे तब तक यहाँ पे ये इंडिकेट नहीं करेगा। जब आप इसे कनेक्ट कर लोगे तो आपको यहाँ पे PIC Kit 3 का ऑप्शन मिलेगा। इसे सिलेक्ट करके आपको ओके बटन पे क्लिक कर देना है और ऑटोमेटिक प्रोसेस हो जाएगी, ओके। आप यहाँ पे देख सकते हो आउटपुट विंडो में यहाँ पे आपको बिल्ड सक्सेसफुली फिर से लिखने दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आपका प्रोग्राम इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है कि आप यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर को PIC Kit 3 की मदद से पावर देना चाहते हो या फिर आप एक्सटर्नल पावर सोर्स का इस्तेमाल करने वाले हो। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे एक्सटर्नल पावर सोर्स, ओके। तो आपको यहाँ पे सिंपली ओके बटन पे क्लिक कर देना है और अपने डेवलपमेंट बोर्ड को एक्सटर्नली पावर अप्लाई कर देना है। तो मैं एक एडेप्टर की मदद से अपने माइक्रो कंट्रोलर को अलग से अपने डेवलपमेंट बोर्ड को अलग से पावर अप्लाई कर दूंगा, ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास जो प्रोग्राम है उसमें यहाँ पे तो जो हमारी यहाँ पे हेक्स फाइल थी वो यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे लोड हो गई है और वेरीफाई भी हो गई है। और आप डेवलपमेंट बोर्ड में भी देख सकते हो हमारे पास जो LED थी वो LED अभी ब्लिंक करने लगी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से आप अपने PIC कंट्रोलर की मदद से कोई भी टास्क परफॉर्म करवा सकते हो। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में आगे हम देखेंगे बहुत सारे अलग अलग इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस को किस तरह से PIC कंट्रोलर के साथ कनेक्ट किया जाता है और इंटरफेस किया जाता है, और हम देखेंगे कि किस तरह से इसका जो प्रोग्रामिंग होता है वो प्रोग्रामिंग भी हम किस तरह से MPLAB की मदद से कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।